पश्चिम बंगाल में राम बनाम मां दुर्गा की सियासत के बाद अब तृणमूल कांग्रेस के बहुचर्चित गाने खेला होबे ए माठे खेला होबे को लेकर भी सियासत गर्माती चली जा रही है। हाल ही में इस गाने पर प्रश्न उठाते हुए भाजपा नेता राजीव बनर्जी ने कहा था कि लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों का अधिकार है कि वह जनता के लिए आवाज उठाए, लेकिन पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विरोधियों की आवाज दबाना चाहती हैं, इसलिए गाने को वायरल कर लोगों के मन में डर पैदा करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि खेला होवे क्या, खेला होवे का मतलब क्या, हिंसा फैलाना है क्या, खूनी राजनीति करना है। इसी सवाल का जवाब देते हुए तृणमूल कांग्रेस के जय हिंद वाहिनी के उपाध्यक्ष बाबू नंद प्रसाद ने कहा कि खेला होवे का कतई मतलब नहीं है कि हिंसा फैलाया जाए, लोकतंत्र में सबको समान अधिकार है अपनी बात रखने का। भारतीय जनता पार्टी इस गाने का गलत मतलब निकाल कर दुष्प्रचार करने में लगी है। असल में उनके पास जन मुद्दों को लेकर वोट मांगने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि 2014 में केंद्र की सत्ता संभालने के बाद से पीएम मोदी ने जो भी वायदे किए थे वह सब धरातल पर जुमले साबित हुए। पीएम मोदी ने अच्छे दिन का वादा किया था, लेकिन आज जनता के बुरे से बुरे दिन का दौर चल रहा है, जबकि भाजपा के अच्छे दिन आ गए। आज महंगाई अपने चरम स्तर पर है, गैस डीजल पेट्रोल आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जनसभा मंच से इन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं होती। सिर्फ धर्म की आड़ में भाजपा सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहती है, तो यह संभव नहीं है। पहले देश की जनता ने नोटबंदी जीएसटी बेरोजगारी को लेकर झेला तो अब बेतहाशा बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमत की वजह से सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छूने लगे। इन सब मुद्दों पर पीएम ने कोई चर्चा नहीं की। असल में उनका काम सिर्फ जनता को भ्रमित करके वोट पाना है, उन्हें जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं। आज उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई जनाधार नहीं है, इसलिए भाजपा तृणमूल विधायकों को खरीद फरोख्त में लगी है ताकि उनके जरिए बंगाल की सत्ता हासिल की जा सके। लेकिन यह साफ है कि बंगाल की सत्ता पाना इतना आसान भी नहीं, भले ही भाजपा अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दे, पर बंगाल की जनता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर देखना पसंद करती है। इसलिए प्रचंड मत से जीत कर ममता बनर्जी तीसरी बार बंगाल की बागडोर संभाल लेंगी। तैयारी हबे रक्तक्षयी संघर्ष हबे की चाहिए कि रक्तर होली खेला चाहिए मानुषर गणतान्त्रिक अधिकार के लूट करते चाहिए जो तो जानी ना कि तब एटुकू मन है राजनीति मन करी गणतंत्र सर्वश्रेष्ठ उत्सव हे निर्वाचन और से निर्वाचन शांतिपूर्ण हक यटुक चाहिए अबाध शांतिपूर्ण हक मानुष तरह भोटाधिकार प्रयोग कर तो बार खेला कथाटा भीषण बिरुद्धे यहाँ बांगलार संस्कृतर बिुद्धे बांगलार शिक्षा कृष्टिर बिुद्धे यटार मानटा कि खेला राजनीति तो खेला ना राजनीति करी मानुषर स्वार्थे मानुषे जो উন্নয়ন করা যায় সেখানে খেলার তো কোনো ব্যাপার না। এটা তো মানুষকে কি তার মানে কি খেলা হবের মধ্যে দিয়ে কি কোনো রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের বার্তা দিচ্ছে, রক্তের হোলি খেলার বার্তা দিচ্ছে, না মানুষের গণতান্ত্রিক ভোটাধিকার কেড়ে নেবে, আমি তো বুঝতে পারছি না। আশা করি মানুষ সবাই গিয়ে মানে নির্বিঘ্নে শান্তিপূর্ণ অবাধ নির্বাচনটা হোক। কিছু নেতা বল রহে হ্যাঁ কি খেলা হবে কা মতলব ক্যা, লোকতন্ত্র মে কিসি কো আওয়াজ বুলন্দ করনে পর हिंसा करना है, अब क्या कहेंगे खेला होवे का क्या मतलब? खेला होवे का मतलब राजनीति हिंसा करना नहीं है, लोकतंत्र में आवाज उठाने का सबको अधिकार है। खेला होवे का मतलब जनसभा मंच से जन मुद्दों को लेकर आवाज उठाना है। विरोधी दल खेला होवे गाने का गलत मतलब लगाकर दूसरे प्रचार करने में दिन रात जुटे हुए हैं। लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत परेशान हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप गैस पेट्रोल डीजल इत्यादि आप देख रहे हैं कितने महंगाई जो है आसमान छू रहे हैं। लोगों का इस महंगाई से जीना मुहाल हो गया है, त्राही त्राही लोग कर रहे हैं, दूर रही लेकिन देर आई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। असल में भाजपा धर्म की आड़ में राजनीति करना चाहती है, सत्ता के सीढ़ी पर चढ़कर बंगाल के बागडोर को संभालना चाहती है। लोकतंत्र में पश्चिम बंगाल में भाजपा का कोई जनाधार नहीं है, इसीलिए विधायकों को खरीद फरोख करके सीबीआई के हथियार बनाकर बंगाल के सत्ता पर काबिज होना चाहती है। आज सिर्फ बंगाल की जनता नहीं, पूरे देश की जनता बेतरह
बढ़ती महंगाई से त्राही त्राही कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का असल चेहरा है और ये भारतीय जनता पार्टी ये गरीबों का सरकार आप नहीं है, ये पूरे भारत की जनता देख रही है। गरीब बेसहारा के दिन जो है, एक दिन जो कष्टमय जो गुजर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये भाषण देते हैं। सिर्फ भाषण भरने से पेट नहीं भरेगा और मगरमच्छ की आंसू रोने से पेट नहीं भरेगा। जनता रो रही है, जनता के पास नौकरी नहीं है, करोड़ों करोड़ लड़के बेरोजगार हो गए। ये सरकार जुमले की सरकार है और हमारे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी